वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। अब वंदे भारत ट्रेन कल गोवा से मुंबई के लिए शुरू हो जाएगी। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन को कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इसको रवाना करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कई सारे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी सौगात दी और अब कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है महाराष्ट्र के लोगों को। बता दें कि कल गोवा से मुंबई वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके साथ बता दें कि हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला गोवा से लाइव जुड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल भारत भर में 5 जगहों से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे, उसे हरी झंडी देंगे, और इस वक्त मैं गोवा में हूं और यहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वंदे भारत की शुरुआत करेंगे। मुंबई से गोवा की जो दूरी है 586 किलोमीटर की दूरी है, लगभग जो है 12 घंटे लगभग लगते हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए। लेकिन जब ये वंदे होगी इसमें जो यात्री है वो कुल 8 घंटों के अंदर ही गोवा पहुंच सकते हैं। और इस शुरुआत से अगर देखें तो जिस तरीके से यह ट्रेन शुरू होगी उसके बाद से पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब लोग आएंगे तो यहाँ पर सह्याद्री पर्वत है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो पर्यावरण और नेचर और यहाँ की जो संस्कृति है यहाँ पर लोग ज्यादातर पर्यटन भी आते हैं। और इसी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेन जो महाराष्ट्र की 5वीं वंदे भारत ट्रेन बन जाएगी और यही शुरुआत जो है अब सीएसटी रेलवे स्टेशन से मडगांव रेलवे स्टेशन जो गोवा में आता है वहां पर यह ट्रेन वंदे भारत चलती नजर आएगी। यह इसकी हम बात करें तो इसमें कुल 10 स्टेशन होंगे सीएसटी से मडगांव को लेकर, और इसी 10 स्टेशन के अंदर लोग गोवा पहुंच सकते हैं। और इसके बाद उस वंदे भारत ट्रेन में कई तरीके की सुविधाएं दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी ट्रेन है और इसमें जो है भारत निर्मित यह ट्रेन बनाई गई है, और इसी को देखते हुए अब जो है कुल देश भर में 19वीं ट्रेन और महाराष्ट्र की ये 5वीं ट्रेन शुरू होगी। आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन की खासियत यही है कि ये बहुत ही तेज स्पीड से और इसके डिजाइन को देखते हुए काफी देश भर में प्रचलित हो रही है, और नरेंद्र मोदी लगातार इस ट्रेन को देश भर में जगह जगह पर हरी झंडी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही कल हम नरेंद्र मोदी को इंदौर से देखेंगे, जहां पर इंदौर से भोपाल की एक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हरी झंडी देंगे, और उसी के साथ जो है यहां गोवा से मुंबई के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह शुरुआत करते नजर आएंगे। और इसी ट्रेन के जरिए से अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वंदे भारत के अंदर की जो तस्वीरें हैं वहां पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वहां पे जो सीट की सुविधाएं हैं, क्योंकि यह कुल आपको बता दें 8 कोचेस इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। वंदे भारत में जो ये 8 कोचेस हैं इसके अंदर जो सीट की अलग अलग सुविधाएं हैं, कुल 180 की जो घूम कर ये जो तस्वीरें हैं लोग वहां पर बैठ सकते हैं आराम से, और उसके बाहर की जो तस्वीरों का वो आनंद ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसके डिजाइन के हिसाब से, स्वदेशी के हिसाब से, और देश भर में लगातार जब इसकी शुरुआत हो रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसे हरी झंडी देते नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कहें तो गोवा से सीएसटी की ओर मुंबई से कनेक्टिविटी बनाने के लिए पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, और इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। वंदे भारत ट्रेन को लेकर इतनी सारी जानकारी देने के लिए बता दें कि वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी, जिसके बाद महाराष्ट्र के लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इस ट्रेन के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं रहेंगी जिसमें आपको बता दें वाईफाई है, और वाईफाई के साथ यहाँ पर चार्जिंग की सुविधाएं हैं, और चार्जिंग के साथ में यहाँ पर हर एक कोच में टीवी स्क्रीन लगाई गई है, और इसके साथ ही लोग जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीटें रहेंगी वो बनाई गई है। तो काफी कुछ इस ट्रेन के अंदर देखा जा सकता है, और लोगों को यहाँ पर जो वॉशरूम है वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, और इसके साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए
खाने को गर्म रखने के लिए भी जो है अलग उस कोच के अंदर अलग अलग जगहों पर गर्म करने के लिए खाने स्वनिर्मित बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें वंदे भारत एक स्वनिर्मित ट्रेन है, स्वदेशी ट्रेन है और इसकी शुरुआत जो है कल हम देखेंगे कि किस तरीके से मडगांव से गोवा मुंबई की ओर यह रवाना की जाएगी और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसके चार्ज किस तरीके से होंगे, कितनी स्पीड से यह ट्रेन चलती है, कुल पूरी जानकारी आपको मेट्रो मुंबई के जरिए हम कल आपको फिर से उस ट्रेन के अंदर से देते हुए नजर आएंगे।